दोस्तों, प्राचीन मेसोपोटामिया में अनुनाकी उस भगवान को कहा जाता है जिसने सुमेरिया नाम की प्राचीन सिविलाइजेशन को जन्म दिया था, और सुमेरियन साम्राज्य के अनुसार अनुनाकी आसमान से आया था और उसने धरती पर इंसानों की बस्तियां बसाई थी, और वहां पर मिले शिलालेख और क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स के ऊपर इस बात को सैकड़ों बार लिखा जा चुका है। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी आप अनुनाकी की मूर्ति देखते हैं तब उनके हाथ में एक अलग तरह का बैग होता है, और हैरानी की बात तो ये है कि बिल्कुल इसी तरह की बैग बाकी सारी सिविलाइजेशंस में भी मिली हुई है। और सबसे पहले इस बैग को टर्की में मिले एक पुराने पत्थर के ऊपर चित्रित किया गया था, और लगभग दुनिया की सारी प्राचीन सभ्यताओं ने ये बताया है कि उनके भगवान के हाथों में भी इसी तरह की बैग हुआ करती है। दोस्तों, इजिप्ट और मेक्सिको के बीच में कई सारे हजार किलोमीटर्स का फासला है, और फिर भी उन दोनों सभ्यताओं में भी इसी तरह के बैग का जिक्र किया हुआ है। ये बहुत ही हैरानी की बात है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सभी सभ्यताओं के देवता एक ही हो और बाद में एक ही भगवान ने धरती के अलग अलग कोनों में जाकर अपनी इसी सभ्यता को फैलाया हो। अब आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि क्या ऐसी कोई प्राचीन बैग या चीज हमारे भारत के किसी प्राचीन शिलालेखों में देखने को मिलती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। तमिलनाडु के गंगेकोंड के शिव मंदिर में बिल्कुल इसी तरह की बैग भगवान शिव के हाथों में देखने को मिलती है, और इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में किया गया था, और भगवान शिव जी की इस मूर्ति के हाथों में बिल्कुल इसी तरह का बैग है जैसा कि दूसरी दुनिया के सभ्यताओं के देवताओं के हाथों में दी गई है। हम ये जानते हैं कि कई हजार साल पहले स्पेसक्राफ्ट और विमानों का जिक्र भी नहीं मिलता था, तो इसका मतलब यह है कि एक दूसरे से मिलती हुई सभ्यता जिनका आपस में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, उनकी दूरी बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है। और एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के मुताबिक कई हजार साल पहले अंतरिक्ष से आए हुए लोगों ने इस धरती को बसाया था, और उन्होंने ही हम इंसानों को रहना सिखाया और विकसित किया, और आज हम उन्हीं लोगों को भगवान मानते हैं जो अंतरिक्ष से कई हजार साल पहले आए थे। हालांकि हम लोग इस बात का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते कि ये थ्योरी 100% सच ही हो, लेकिन आज तक साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इन मूर्तियों में एक ही तरह के बैग का मिलना आखिर कैसे संभव हो सकता है। लेकिन हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि कई हजार साल पहले एक ऐसा जरिया था जिससे कि एक सभ्यता दूसरी कई सारी प्राचीन सभ्यताओं के बीच में संपर्क स्थापित कर सकती थी। दोस्तों, आप सबकी इस विषय पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।